जैविक विधि। गाजर घास नियंत्रण के लिए अभी तक किए गए अनुसंधानों में जैविक विधि को सबसे उत्तम विकल्प माना गया है, जो कि पर्यावरण हितैषी भी है। वर्ष 1983 में मेक्सिको से आयातित सिर्फ गाजर घास को ही खाने वाला कीट जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा यानी मैक्सिकन बीटल से गाजर घास के प्रकोप को कम करने में भारत में अपार सफलता प्राप्त हुई है। ये कीट गाजर घास की पत्तियों को पूरी तरह से खाकर पौधे को पत्ती रहित कर देता है, जिससे इसके पौधे सूख जाते हैं। इसी दिशा में अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाते हुए खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय जबलपुर द्वारा इस कीट को भारी संख्या में गुणन कर देश के विभिन्न भागों में पैकिंग कर डाक सेवा से भेजा जाता है। इन कीटों को गाजर घास में छोड़ने हेतु सबसे उत्तम समय है जून से अगस्त माह के बीच। मानसून के दौरान गाजर घास के नए पौधों की पत्तियों के कोमल होने के कारण ये कीट उन्हें खाकर अपनी संख्या तेजी से बढ़ा सकते हैं। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया है कि एक वयस्क कीट गाजर घास के पौधों को 6 से 8 सप्ताह में खा जाता है। एक हेक्टेयर क्षेत्र हेतु शीघ्र नियंत्रण के लिए बहुत अधिक संख्या में कीटों की आवश्यकता होती है, किंतु नए स्थान पर थोड़ी संख्या में भी कीटों को छोड़ने पर कालांतर में ये कीट उन स्थानों पर स्थापित होकर गाजर घास को नष्ट करने लगता है। इस कीट द्वारा गाजर घास के नियंत्रण की सफलता को देखते हुए सरकारी संस्थाओं और जागरूक नागरिकों को इस कीट को अपने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक छोड़ने की आवश्यकता है। गाजर घास का जैविक नियंत्रण प्रतिस्पर्धा वनस्पतियों जैसे गेंदा एवं चकोड़ा इत्यादि द्वारा भी संभव होता है। इसके लिए घर के आसपास एवं संरक्षित क्षेत्रों में गेंदे के पौधे लगाए जाने चाहिए। प्रतिभूमि, सड़क के किनारे एवं अन्य खाली स्थानों पर चकोड़ा यानी केशिया तोरा या केशिया सिरिसिया को भी लगाकर इसके द्वारा गाजर घास की वृद्धि और विकास को रोका जा सकता है। केशिया तोरा के बीजों को मार्च अप्रैल में 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उन स्थानों पर डाल देना चाहिए जहां गाजर घास का प्रकोप हो। वर्षा होने पर केशिया तोरा शीघ्र ही गाजर घास को विस्थापित कर देगी।